मुंबई की सारी हीरोइन यहाँ से शॉपिंग करती हैं और वो भी मात्र 300 रुपये में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है शॉपिंग इन मुंबई, मतलब मुंबई में शॉपिंग कहाँ करें, या फिर अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग शॉपिंग करते हैं तो कौन सी जगह है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर मुंबई की सारी हीरोइन शॉपिंग करती हैं। पहले आप शुरू से देख सकते हैं यहाँ सारे आइटम्स लड़कियों के लिए ही बनाए गए हैं, लड़कियों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये तो केवल शुरुआत है, अभी और आगे चलूँगा और आगे चल के मैं आपको पूरी चीज़ दिखाने और बताने का प्रयास करता हूँ, लाइव दिखाऊँगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, कहाँ की, मुंबई की। तो अगर आप मुंबई में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर बहुत ही सस्ते सस्ते एंड अच्छे आइटम्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ लड़कियों के ही कपड़े एंड सामान आपको दिखने वाले हैं और ख़रीदारी करते हुए, ये देखो यहाँ पे सारी लड़कियाँ ही दिखेंगी आपको ख़रीदारी करती हुई, और लड़कियों के ही आइटम यहाँ पर मिलते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि यहाँ पर सब हीरोइन ही शॉपिंग करती हैं, हीरोइन से आशा ये है कि यहाँ पर मुंबई की जो लड़कियाँ हीरोइन बन के घूमती हैं या फिर हीरोइन जैसे कपड़े पहनती हैं वो सब यहीं से खरीदती हैं। तो मतलब हीरोइन का आशा ये है कि मुंबई की लड़कियां यहां से ही शॉपिंग करती हैं 90%, 10% हो सकता है कहीं दूसरी जगह से जाएं। ये सारे आप देख सकते हैं और यहां पे जो चीज़ें हैं सारी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, ट्रेंडिंग आइटम्स आपको मिलेंगे और आपसे चाहे 400 बोले या 500 बट मात्र 300 रुपये में या इससे भी कम में आपको मिल जाएगा, बट आपको बार्गेनिंग करना पता होना चाहिए। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी क्लोजिंग का समय है और रात के लगभग 11:30 हो गए हैं तो भी आप भीड़ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ बंद हो गई है, क्योंकि मुंबई कभी बंद नहीं होती है। अभी एक और सेक्शन है, मैं वहाँ पे ले चल रहा हूँ और बताऊँगा कि इस जगह को क्या कहा जाता है। लेकिन इससे अतिरिक्त अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज या मुंबई, विजिटिंग प्लेसेज या मुंबई, टूरिस्ट प्लेसेज या मुंबई, बेस्ट प्लेसेज इन मुंबई, शॉपिंग प्लेसेज इन मुंबई, शॉपिंग इन मुंबई, चीपेस्ट मार्केट इन मुंबई, बेस्ट मार्केट इन मुंबई, क्लॉथिंग मार्केट इन मुंबई, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। तो इस मार्केट को क्या कहा जाता है, कुलावा कॉजवे, कुलावा कॉजवे जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास है और ये बहुत ही फेमस मार्केट है लड़कियों के लिए स्पेशली, और यहाँ पर भीड़ लगी रहती है किसकी, लड़कियों की और लड़कियों के आइटम्स की। तो यहाँ पर आप कभी भी आओगे आपको ऐसी ही भीड़ दिखने वाली है और ऐसी भीड़ रहने वाली है। तो कभी कम है फिलहाल क्योंकि क्लोजिंग का समय है, और एक और सेक्शन में वहाँ पे चल के आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी मुंबई आ रहे हैं और शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं या और कहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुंबई की सारी लड़कियाँ या फिर ये मुंबई की सारी हीरोइन यहीं से क्लॉथिंग करती हैं, यहीं से आइटम्स खरीदती हैं और हीरोइन बनके घूमती हैं। तो आप भी खरीद सकते हैं सस्ते एंड आइटम्स एंड अच्छे आइटम्स मुंबई की कुलावा कॉजवे से। कुलावा कॉजवे का ये लेटेस्ट वीडियो है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बस चल रही है ना, यहीं से आप CST रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, बहुत ही पास है, लगभग 4 किलोमीटर, और ये बहुत ही पॉश एरिया है। और इसके बगल में जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में दिखाया था जहाँ पे मुंबई में अटैक हुआ था वो वाली जगह है, और एक और जगह है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर मतलब बहुत बड़े बड़े लोग घूमने आते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैंने अपने चैनल पे दिखाया है, तो मेरे पुराने वीडियो जाके आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना, आपको बहुत सारी जानकारी मुंबई के बारे में मिलने वाली है। और कुलावा कॉजवे जो कि चीपेस्ट मार्केट है मुंबई की और बहुत ही प्राइम लोकेशन में स्थित है, कुलावा में स्थित है, इसलिए इसे कुलावा कॉजवे कहा जाता है। वैसे तो ये एक स्ट्रीट साइड मार्केट है, स्ट्रीट साइड मार्केट ऑफ मुंबई है, मतलब रोड के साइड में मार्केट है, बट यहाँ पर डेकोरेशन ऐसे रहता है जैसे कि
बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल का माहौल हो। और आइटम्स आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल 200-300 रुपए में मिलेंगे, तो बिल्कुल लोकल आइटम्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ये आइटम्स कहाँ से लाते हैं इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, बट बहुत ही अच्छे आइटम्स मिलते हैं। और अगर आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये है चीपेस्ट मार्केट ऑफ मुंबई, या फिर ये कहें कुलाबा मार्केट, जो कि एक चीपेस्ट मार्केट है। और यहाँ पर आने के लिए आपको कोई एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं देना है, क्योंकि स्ट्रीट साइड मार्केट है। और यहाँ पर अगर आप सैटरडे एंड संडे के आओगे तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। आज तो फ़िलहाल फ्राइडे है, मैं कल फिर से आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आके कल की भीड़ दिखाऊँगा, तब आप देखना कि यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। और शाम को ही आ जाऊँगा, शाम को 7 बजे से बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है। अभी तो फ़िलहाल रात के 11:30 हो गए हैं, क्लोजिंग का टाइम है, इससे थोड़ा भीड़ कम हो रही है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में कल आऊँगा और शाम होते ही आऊँगा। और सैटरडे है तब आप भीड़ देखना, और भीड़ देख के आप ज़रूर बोलोगे कि ये ज़बरदस्त मार्केट है मुंबई की। तो मुंबई में अगर आप शॉपिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट मार्केट यही है, और आप यहीं से ख़रीदारी कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए, लड़कों के लिए भी आइटम्स हैं, ऐसा नहीं है। गोगल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और नाइकी का शोरूम भी है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो कल मैं एक बार फिर से आता हूँ, तो मेरा कल का वीडियो एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि मैं कल शाम को ही पहुँच जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।